अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू के नगर्स। आलू के नगर्स बनाने के लिए हमने लिया है आलू, लिया है हमने किलो, जिसे हमने बॉईल करके रख लिया था और उसके बाद उसे मैश किया है। इसके अलावा इसमें जाएंगे दो अंडे, इसमें यूज़ होंगे ब्रेड क्रम्स यूज़ होंगे हसब ज़रूरत। आप ब्रेड लें, उसको तोड़ें और चॉपर ले लें, ब्लेंडर ले लें, उसमें ब्लेंड करें तो आपके ब्रेड क्रम्स रेडी होंगे। और अगर आप क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप पहले ब्रेड्स लें, उसे थोड़ी देर आप धूप में रखें, जिस तरह अब धूप बहुत तेज़ है, धूप में रखिए और उसके बाद उसे ब्लेंड कीजिए तो आपके बाजारी मज़ेदार ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा 4 टेबल स्पून, नमक जाएगी 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर जाएगा इसमें 1/2 टेबल स्पून, वाइट पेपर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसमें चाट मसाला जाएगा तो बिल्कुल पिंच सा। ये देखें, इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। और अगर आपके पास ऑरिगेनो या थाइम्स है तो आप इसमें थाइम या ऑरिगेनो थोड़ी सी आप पेंच सी वो भी डालें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। अब ये सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें ब्रेड क्रम्स में मैंने डाले हैं, इसमें ब्रेड क्रम्स गए हैं 1/2 कप। ये देखिए सारा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब हम अपने हाथों को पानी से थोड़ा सा गीला करेंगे और थोड़ा सा मिक्सर लेंगे। आगे रमज़ान आ रहा है, ये रमज़ान के लिए बहुत बेस्ट आइटम है। और ये आप बनाएं और इसे फ्रीज भी कर लीजिए बेशक। इसे आप इस तरह नगेट्स की शेप दीजिए। अब हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह, अंडे लिए, अंडे लगाएंगे और दूसरे हाथ से पकड़ेंगे और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इसको किसी ट्रे में या प्लेट में रखते जाएंगे। और फिर इसको हम अब इसी तरह सब बनाएंगे और इसे हम फिर फ्रिज में रखेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ठहर जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे नगेट्स, ये देखें किलो आलू में कितनी बरकत होती है। घर की चीज़ों में, घर की चीज़ें बनाएं, घर की चीज़ों में बरकत होती है। ये हमने किलो आलू लिए हैं और इसके कितने नगेट्स हमारे माशाल्लाह बन गए, अल्लाह का शुक्र है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे या फ्रीज़र में रखें। अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो आप इसे 10 मिनट के लिए रखें, और अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो 20-25 मिनट के लिए इसे रखें और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। आप इसको इस तरह, आप इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और रमज़ान आ रहा है, अगर इस तरह आप इसको फ्रीज़ कीजिए, आप इसको ये आपने एक लेयर दें, इसको फ्रीज़ कीजिए और उसके बाद जब ये ठहर जाए तो आप इसके ऊपर कवर अप कीजिए और दूसरी लेयर आप रेडी कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 कप ऑयल लिया, इसको एक पैन में डाला है और ये अच्छी तरह से हीट अप हो गया हाई फ्लेम पे। अब अपनी मैं फ्लेम को लो टू मीडियम करूँगी और इसमें अपने नगेट्स 1 by 1 डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए, फ्रीज़ कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी साइड चेंज की है, 2 मिनट के बाद आपने इसकी दूसरी साइड चेंज करनी है और इसको आपने फिर सर्विंग प्लेट में करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितना खूबसूरत है रेडी, कितनी क्रिस्पी आपके आलू नगेट्स रेडी हो रहे हैं। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसको अपनी सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं, ये रेडी हो गए और इसी तरह हम बाकी भी रेडी कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार हमारे पोटैटो नगेट्स रेडी हैं। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें और साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू आने वालों को बहुत बहुत खुश आमदीद। और जो मेरा चैनल देख रहे हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की हर लम्हा ज़रूरत है। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।